हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। हम लोग क्लास 10 का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं और वो टॉपिक आपका है लाइफ प्रोसेस, बायो का फर्स्ट चैप्टर। और उस लाइफ प्रोसेस का जो हिस्सा मैं डील करने जा रहा हूँ आपको, वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, स्पेशली ह्यूमन के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि ये कुछ अलग टाइप के टिश्यूज़ के द्वारा परफॉर्म्ड किया जाता है प्लांट में, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर सम एडिशनल सिस्टम, है ना। कुछ एडिशनल सिस्टम प्लांट को चाहिए, वो एडिशनल सिस्टम किस चीज़ का चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द टर्म ऑफ टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर। कौन कौन टाइप का मैटर, डिफरेंट टाइप के मैटर जो प्लांट रिक्वायर्ड करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे मॉलिकल्स हो गया, जैसे वाटर हो गया, कुछ आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है, मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, जो सॉइल से प्लांट लेता है, है ना। तो वो सारे चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ स्पेशल टाइप के एडिशनल सिस्टम और एडिशनल टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट, या उसी को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैस्कुलर सिस्टम। और ये वैस्कुलर सिस्टम जो होता है, स्पेशली दो टाइप के टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं इसमें, आपको पता होगा इसके बारे में, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, है ना। ये दो स्पेशल टाइप के ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को किसी भी मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपने बॉडी में, सेलुलर लेवल पे और इवन टिश्यू लेवल पे, वही है। तो फ्रॉम सराउंडिंग्स टू इनसाइड द बॉडी एंड वाइस वर्सा, है ना। ये बॉडी से, ये सराउंडिंग से बॉडी में भी जा सकता है और बॉडी से सराउंडिंग में भी जा सकता है, है ना। तो टू टाइप का ट्रांसपोर्टेशन देखिए प्लांट के अंदर होता है, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। देखो ऐसे तो प्रॉपरली डिटेल आपको ये टॉपिक 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपग्रेड करने का कोशिश करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इस टॉपिक को पूरे अच्छे ढंग से आपके सामने पेश करूँ, जिससे आपको ये टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग एक एक करके ये सारी चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ये किसके द्वारा होता है, एक्चुअली में ये दो टाइप के फिनोमेनन से होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, कहने का मतलब ATP का रिक्वायरमेंट होता है इसमें, और एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें कि ATP का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और ये क्या होता है, सेलुलर लेवल पे, जैसे मान लो ये एक सेल है, एक और सेल है, एक और सेल है, तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, वो एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप का ट्रांसपोर्टेशन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब देखो, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयंस एंड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे फूड हो गया, हॉर्मोन्स हो गया, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से, है ना। आयंस का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपको पता होना चाहिए कि रूट हेयर्स में जो मिनरल्स आयन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, मिनरल आयन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो ज़्यादातर एक्टिवली ही होता है, जबकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पैसिवली होता है, ओके। अब वहीं मैंने आगे बता दिया है कि इन पैसिव ट्रांसपोर्ट बाई द मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में पढ़े हुए हैं इस चीज़ को, कि ऑस्मोसिस में बेसिकली सॉल्वेंट मैटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि डिफ्यूजन अगर होगा तो सारे टाइप के मैटर का, चाहे वो सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, हर टाइप के मैटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को अगर हम लोग देखें, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो दोनों इफेक्ट से होता है। मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस बाय कंबाइन इफेक्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का कंबाइन इफेक्ट होता है यहाँ पे। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो कंबाइन इफेक्ट होता है, और वो चूंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब देखो, ट्रांसलोकेशन जो आप देख रहे हो, इसको हम दो अलग अलग केसेस में बांट सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, और एक को बोलते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है प्लांट के अंदर। तो एसेंट ऑफ सैप क्या है, एसेंट ऑफ सैप का मतलब हो गया कि रूट से
जो टॉप रीजन है ना प्लांट का, उसमें वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना। जबकि फ्लोएम के साथ ऐसा नहीं है। फ्लोएम में क्या होता है कि लीव्स हो गया, लीव्स से रूट में जाता है और जरूरत पड़ने पर रूट से लीव्स में भी जाएगा। ये है आपका फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। ये यूनिडायरेक्शनल है, जबकि ये क्या है, ये क्या है, बाई डायरेक्शनल है। जरूरत पड़ने पर ये बाई डायरेक्शनल भी होता है, यूनि डायरेक्शनल, दोनों दोनों टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक और मैं थोड़ा सा बेसिक बात बता दूं कि एसेंट ऑफ सैप जो होता है उसमें ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट जो होगा ना वो पैसिव होगा, जबकि इसमें ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एक्टिव होगा। मैं देखो, मैं याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मोस्टली ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि एसेंट ऑफ सैप जो होता है वो 100% पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। इसका कुछ हिस्सा, बहुत ही कम हिस्सा इसका क्या होता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन में भी भाग लेता है। उसी तरह से फ्लोएम वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है, ऐसा नहीं है कि वो 100% एक्टिव ही होता है। उसका कुछ हिस्सा जो होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में भी आता है। इसको आगे ऑलरेडी आप समझ में आ जाएगा आपको ये बातें। अब देखो, वही मैंने यहाँ पे बता दिया है कि वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉयल कंडक्टेड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसमें कौन होता है, जाइलम इन्वॉल्व होता है, एसेंट ऑफ सैप। जबकि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, उसमें फ्लोएम इन्वॉल्व होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एसेंट ऑफ सैप। देखो क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल मूव टुवर्ड्स रूट वाया रूट हेयर्स। सबसे पहले देखो इसके स्टेप्स में सबसे पहले क्या आता है कि वाटर और मिनरल्स जो होता है ना सॉइल से, ये रूट के टुवार्ड्स मूव करता है। ये क्या होता है, रूट के टुवार्ड्स मूव करता है बाय रूट हेयर्स। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, ये एक्टिव भी होता है और प्लस पैसिव दोनों का कंबाइन इफेक्ट है ये। क्योंकि मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना रूट हेयर में, जैसे देखो ये रूट हेयर है आपका, तो जो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एक्टिवली होगा। मिनरल्स जो होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, एक्टिव। और जबकि वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो क्या होता है, पैसिव। ओके, अब देखिए वही है, बाय डिफरेंट सेल ऑफ द रूट एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर। तो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक मूवमेंट आखिर क्या चीज है, जरा इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है, जो सेल्स अरेंज होता है रूट के जोन में फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम। देखो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे रूट हेयर्स मिलेगा इस तरह से, ऐसे रूट हेयर्स मिलेगा जो एपिडर्मिस में होता है। एपिडर्मिस जहाँ पे रूट हेयर का वो हिस्सा जो एपिडर्मिस में पाया जाता है, या एपिडर्मिस का वो हिस्सा जो रूट हेयर कंसिस्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। आपको याद होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको, तो ईपी ब्लेमा। अब देखो रूट, अच्छा ये सारे जो आप सेल्स देख रहे हो उसके बीच में क्या पाया जाता है, उसके बीच में कुछ स्पेशल टाइप के इंटरकनेक्टिंग जंक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। याद है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक ना, जिसके थ्रू प्लांट के सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये आपका देखिए रूट हेयर हो गया, ये क्या हो गया, रूट हेयर। तो रूट हेयर जो आपका देख रहे हो, यहाँ से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा। देखो सबसे पहले कौन जाएगा, मिनरल्स जाएगा। तो मिनरल्स जो होगा वो मैंने बताया ना, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू रूट हेयर्स में जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है ना। जैसे ही मिनरल्स जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। अब देखो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से हो सकता है, एक है एपोप्लास्टिक और एक है सिम्प्लास्टिक। देखो एपोप्लास्टिक का मतलब वो सेल वॉल से जाता है, वाटर जो होगा वो कहाँ से जाएगा, सेल वॉल से के थ्रू वाटर मूव करेगा, इसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक मूवमेंट। ध्यान रखिएगा एपोप्लास्टिक मूवमेंट के बारे में मैंने क्या बताया, वाया वाया सेल वॉल। ओके, वहीं पे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो आप देख रहे हो ये क्या होगा, वाया साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के थ्रू जाता है, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब वाटर का मूवमेंट देखिए प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कुछ ऐसा होगा,
अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और मैं इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि इंडोडर्मिस में कॉमनली ये पॉसिबल नहीं होता है। इंडोडर्मिस में कॉमनली ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल टाइप का बैरियर होता है, एक स्पेशल टाइप का बैरियर पाया जाता है इंडोडर्मिस में। इसीलिए इंडोडर्मिस में ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिम्प्लास्टिक होगा। तो वाटर का मूवमेंट दो तरीके से हुआ, फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम। कौन सा तरीका? एक हो गया एपोप्लास्टिक। एपोप्लास्टिक मूवमेंट मैंने क्या बताया कि सेल वॉल के थ्रू जाता है। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट मतलब साइटोप्लाज्म के थ्रू जाता है। जबकि मैंने एक और बात बताया कि इंडोडर्मिस में ये एपोप्लास्टिक मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके जो सेल वॉल होते हैं ना, उसके सेल वॉल में आपको क्या पाया जाता है, एक बैरियर पाया जाता है। इसको आप डिटेल आगे पढ़िएगा हायर क्लासेस में, मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल आपको नहीं करने जा रहा हूँ। बस आप ये समझो कि यहाँ पे एक बैरियर पाया जाता है। ओके, तो इस तरह से वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है, फ्रॉम रूट हेयर टू जाइलम। जाइलम में वाटर लोडेड हो जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जब जाइलम में वाटर लोडेड हो गया तो कंटिन्यूअस, देखो, ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट, है ना, फ्रॉम सॉइल टू रूट ऑफ जाइलम वाया क्या, रूट हेयर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप। क्या हो जाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। रूट प्रेशर क्या होता है कि जब वाटर का मूवमेंट रूट हेयर से जाइलम के टुवार्ड्स कंटिन्यूअसली होता है, तो रूट के जो जाइलम जो होते हैं ना, उसमें एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है, जिससे वाटर मूव करने लगता है ऊपर की तरफ, ठीक ना। तो इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। ये सिर्फ और सिर्फ रूट में पाया जाता है, ये और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब इसका पर्पस क्या है? ये वाटर को पुशअप करता है ऊपर की तरफ। इसका पर्पस यही है, इट पुशेस वाटर टुवर्ड्स अपवर्ड। और ये क्या, एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्टेशन का आपका रिजल्ट है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने बताया ना कि मिनरल्स का होता है, जबकि पैसिव जो होता है वाटर का होता है। अब देखो, इसी सिस्टम को डिक्सन एंड जॉली के द्वारा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया। डिक्सन एंड जॉली का जो कॉन्सेप्ट था, जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि हाउ डज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस बाई जाइलम, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, या इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया था? डिक्सन एंड जॉली के द्वारा, ठीक ना। और ये किस चीज के को एक्सप्लेन करता है? तो ये एक्सप्लेन करता है एसेंट ऑफ सैप को। एसेंट ऑफ सैप को ये एक्सप्लेन करता है ये डिक्सन एंड जॉली का कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। डिक्सन एंड जॉली का पहला कॉन्सेप्ट तो देखिए यही वाला था, रूट प्रेशर का। जो ऐसे रूट प्रेशर का कॉन्सेप्ट किसी और साइंटिस्ट का दिया हुआ है, एक्चुअली में प्रिस्टले का दिया हुआ है। ये प्रिस्टले के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था। और इसी कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए डिक्सन एंड जॉली ने एसेंट ऑफ सैप का कॉन्सेप्ट दिया है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा ट्रांसपीरेशन, क्योंकि ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये। बहुत आसान टर्म है ट्रांसपीरेशन, आप पहले से भी जानते होंगे इसके बारे में कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में जब लॉस ऑफ वाटर होता है एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट के द्वारा, उसी को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और बेसिकली इसमें टाइप है, मैंने बता दिया है, क्यूटिकुलर होता है, लेंटिकुलर होता है, स्टोमेटल होता है। जब अपर सरफेस से हो तो क्यूटिकुलर, देखिए इसका एफिशिएंसी लगभग 3-10% है। जब मल्टी सेलुलर हेयर होल्स पाए जाते हैं, आपको याद होगा मल्टी सेलुलर हेयर होल्स पाए जाते हैं, उससे अगर ट्रांसपीरेशन हो तो उसको बोलते हैं लेंटिकुलर। एफिशिएंसी बहुत ही कम है, 0.1%। और स्टोमेटल की एफिशिएंसी सबसे हाई होती है, 50-97%। स्टोमेटा के बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ऐसे अगर हर्बीवोरस बहुत छोटे छोटे हर्ब्स हैं ना, तो हर्ब्स में क्यूटिकुलर की एफिशिएंसी 50% तक भी जा सकती है। छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं ना हर्ब्स, उसमें ये क्यूटिकुलर जो है वो 50% तक भी अपने एफिशिएंसी को सो आउट कर सकता है फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपीरेशन।
अब देखो ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी जो है इसी को हम लोग देखिए, वही मैंने बता दिया है, कोहेसन और टेंशन थ्योरी भी बोलते हैं। चलिए आगे इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट का क्या कहना है। देखिए सबसे पहला क्या बात क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू कोहेसन टेंशन थ्योरी, वाटर फॉर्म कंटिन्यूअस कॉलम इन प्लांट फ्रॉम रूट हेयर्स टू टॉप ऑफ द लीव्स। अगर मान लो ये प्लांट है आपका, ये रूट है और ये लीव्स का जोन है, तो वाटर जो होता है ना, वाटर जो होता है वो एक कंटिन्यूअस चैनल बनाता है फ्रॉम रूट हेयर टू लीव्स, एक कंटिन्यूअस चैनल का फॉर्मेशन करता है, मतलब ये कॉलम बना देता है। वाटर जो होता है वो रूट से ये लीव्स तक एक कंटिन्यूअस कॉलम का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या हुआ? ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, स्टिक करके रहते हैं, यही है कोहेसिव फोर्स। ठीक ना, नीचे मैंने आपको बताया है एडहेसिव फोर्स के बारे में। देखो एडहेसिव फोर्स क्या चीज़ है भाई? तो एडहेसिव फोर्स जो होता है वो एक टाइप के मॉलिक्यूल्स का दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है ना। देखिए वही है, एडहेसिव फोर्स क्रिएटेड बिटवीन वाटर एंड इनर वॉल ऑफ जाइलम वेसल। जैसे मान लो ये जाइलम वेसल्स है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वेसल्स के जो इनर सरफेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के इनर सरफेस पे अटैच है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एडहेसिव फोर्स। ये क्या है? एडहेसिव फोर्स। तो ये दोनों फोर्स वाटर के कॉलम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रूट हेयर से लीफ के जोन तक बना हुआ रहता है। अब देखो, लॉस्ट ऑफ वाटर अकर इन लीव्स रीजन बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जब ट्रांसपीरेशन होगा तो ये वाटर क्या होगा, लॉस करेगा, यहाँ से स्टोमेटल से लॉस करेगा, तो लॉस करेगा तो वाटर का क्या होगा, कमी होगा ना। इवन आप ये भी जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस में वाटर का यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि जो H प्लस आयन बनता है, यही H प्लस आयन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो वाटर का यूटिलाइजेशन ट्रांसपीरेशन और फोटोसिंथेसिस के टर्म में हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर की कमी हो जाती है। देखिए वही आगे लिखा हुआ है, दिस लॉस ऑफ वाटर काउज निगेटिव प्रेशर। जब वाटर यहाँ कमेगा तो क्या होगा, निगेटिव प्रेशर क्रिएट कर देगा इस जोन में, और जब निगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा तो लोअर पार्ट से वाटर क्या होगा, पुल होने लगेगा। लोअर पार्ट से वाटर जो होगा ना, वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं एक पुल फोर्स जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपीरेशन कोहेसन एंड टेंशन। क्या हुआ, टेंशन जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलम जो बना ना, उसके बीच में जो डेवलप हो रहा है उसकी, उसी फोर्स को हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो ये तीन जो फोर्स है, मतलब ट्रांसपीरेशन पुल हो गया, रूट प्रेशर हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया और एडहेसिव फोर्स हो गया, ये सारे फोर्स मिल करके वाटर को बॉटम ऑफ द प्लांट से टॉप ऑफ द प्लांट के टुवार्ड्स लेके चले जाते हैं। ओके, वही देखिए आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या बताया हुआ है, दस By combined effect of transpiration, pull, root pressure, water continuously move inside the plant from bottom to top. Okay? तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ascent of sap का प्रोसेस क्या है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं phloem ट्रांसपोर्ट का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए phloem ट्रांसपोर्ट जो होता है वो स्पेशली क्या होता है, मैंने अभी अब आपको बताया कि इसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल इन्वॉल्व होता है, और ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, जरूरत पड़ने पर ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। और इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले जो प्रॉपरली, मतलब सबसे पहले नहीं कह सकते, इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट थे मंच, और इनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो है मास फ्लो हाइपोथेसिस, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ये दोनों एक ही टर्म है, मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस टर्म को। देखिए मास फ्लो हाइपोथेसिस के को अगर हम लोग देखें तो ये क्या कहता है कि सोर्स और सिंक के बीच में ट्रांसपोर्टेशन होता है सुक्रोज का। ये सुक्रोज क्या है, ये सुक्रोज जो है ना वो सॉल्युबल फॉर्म
ऑफ फूड है जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, जब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है ना, दैट ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इंटू सुक्रोज फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और सोर्स कौन है, तो सोर्स होगा आपका लीव्स जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। और सिंक कौन है, तो जनरली सिंक वो होता है जिसमें फूड स्टोर होता है। तो जनरली ये कौन होता है भाई, तो जनरली ये आपका स्टेम हो सकता है, ये आपका रूट हो सकता है। बहुत सारे प्लांट में रूट जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं ना, तो रूट हो सकता है। अब देखिए इस मास फ्लो हाइपोथेसिस में बताया गया कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसकी वजह से डेवलप करेगा, वाटर की वजह से, और ऑस्मोसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ये दो प्रेशर जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्शन क्या बताया गया। देखिए जैसे लीव्स है, लीव्स में क्या हुआ, सोर्स हो गया, ये लीव्स मेरा क्या हो गया, सोर्स। अब लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, दैट ग्लूकोज कन्वर्टेड इंटू सुक्रोज। सबसे पहले तो ये ग्लूकोज या तो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा या फिर सुक्रोज में कन्वर्ट होगा। अब ये सुक्रोज जो होगा ना, यही सुक्रोज अगर और ज्यादा नहीं यूज हो पाया ना तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। अब सुक्रोज जो होता है, देखो यहीं से आपको समझना है, सुक्रोज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इंटू कंपेनियन सेल। जो लीव्स के रीजन में कंपेनियन सेल होते हैं ना, वहां जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन हायर क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन कंपेनियन सेल में जो होता है वो कैसा होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट मीन्स इट नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो कंपेनियन सेल में जब आ गया ये, तो कंपेनियन सेल के जस्ट बगल में क्या पाया जाता है, अब ये कंपेनियन सेल है और इसी के जस्ट बगल में आपका सीप ट्यूब है, और ये कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब के बीच में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो फिर क्या होगा, दैट फूड विच गेट ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली टुवर्ड्स द कंपेनियन सेल, ये मूव कर जाएगा किसमें, सीप ट्यूब में। ये कहां मूव करेगा, सीप ट्यूब में मूव कर जाएगा। किसके द्वारा मूव करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। और आपको पता होना चाहिए दिस इज अ काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ओके। अब देखिए जब सीप ट्यूब में आ गया वो सुक्रोज, तो सीप ट्यूब के अंदर वाटर का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। वाटर जो होगा वो सीप ट्यूब में थोड़ा घटेगा, है ना। तो वाटर जब घटेगा तो क्या होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, घटेगा नहीं, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो उसके बगल में जो जाइलम है ना, उससे देखिए वाटर मूव कर जाएगा सीप ट्यूब के अंदर, और वो क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा देगा उस एरिया का। मतलब सीप ट्यूब के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टुवर्ड्स दैट रीजन। और ये सुक्रोज और वाटर एक दूसरे के साथ मिल करके मूव कर जाएगा किधर, सिंक के तरफ। ये सिंक जो हो सकता है, ये फ्रूट हो सकता है, बड हो सकता है, रूट हो सकता है, ओके। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, फ्लोएम का। फिर से एक बार समझ लीजिए आप, लीव्स सोर्स के जैसा है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कन्वर्ट किया सुक्रोज में फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सुक्रोज से ये एक्टिवली चला गया कंपेनियन सेल में, कंपेनियन सेल से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आ गया सीप ट्यूब में, सीप ट्यूब में जैसे ही आएगा जाइलम के द्वारा सीप ट्यूब में वाटर ऐड कर जाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सुक्रोज और वाटर मिलकर के क्या होगा, सिंक के टुवर्ड्स मूव कर जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, ये अपोजिट भी हो जाता है। देखिए अब देखिए सोर्स एंड सिंक कैन बी रिवर्स्ड अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के हिसाब से ये अपोजिट भी हो जाता है। अब जैसे स्प्रिंग सीजन का मैंने बताया है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी एक लाइन इसके बारे में लिखा हुआ है कि स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, है ना, चाहे वो फ्लोरल बर्ड्स हो या फिर लीफ का बर्ड्स हो, ये बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं। और जब ये ज़्यादा डेवलप करेंगे तो इनको फूड की ज़रूरत है, इनको एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब क्या है कि ये सिंक के जैसा काम करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब क्या, अब रूट जो होगा ये सोर्स हो गया, क्योंकि रूट के अंदर ऑलरेडी क्या है, स्टोर्ड फूड है। मैकेनिज्म वही है आपका मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो इस तरह से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नीड जो बर्ड्स होता है ना, जो डेवलपिंग बर्ड्स होता है उसमें फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कहने का मतलब किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम रूट टू बर्ड्स।
तो आप देख रहे हो ये जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है ये बाई डायरेक्शनल है ना, शुरू में ये क्या हुआ रूट के टुवर्ड्स गया और अब आप क्या देख रहे हो ये बर्ड्स के टुवर्ड्स जा रहा है। तो ये जब बाई डायरेक्शनल है ओके, तो ये भी ध्यान रखना है कि फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो इस तरह से आई थिंक आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट का कॉन्सेप्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सक्रिएशन, है ना। हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स में एक्सक्रिएशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको डील कर लेंगे। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए, या फिर आपको अगर इस टॉपिक में कुछ और भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर जवाब मिलेगा। और अगर आपको ये चैनल बहुत बढ़िया पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे उनको भी हेल्प हो सके अपने टॉपिक को रिवाइज करने में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए।